तभी प्रभु थोड़ा आगे बढ़े तो बड़ी सुंदर सी सुगंध आने लगी। सब इधर उधर देखने लगे कि आखिर इतनी दिव्य सुगंध कहां से आ रही है। तो देखा सामने से एक कुरूप सी स्त्री चली आ रही थी। मेरे प्रभु की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी तो दूर से मेरे प्रभु उसको देख करके कहते हैं कि ए सुंदरी, तुम कौन हो? जैसे ही उस स्त्री ने सुना कि किसी ने मुझे सुंदरी कहा, पर इस सुंदरी शब्द में कहीं उपहास नहीं है, कहीं मजाक नहीं है, उल्हाना नहीं है, इस सुंदरी शब्द में तो परम आनंद है। कोई व्यक्ति सुंदर ना हो और आप उससे कहो कि तुम बहुत सुंदर हो, हाँ कई बार जब कहते हैं तो वो आपका रूप नहीं देखते, आपके हृदय को सुंदर बताते हैं कि तुम्हारा हृदय सुंदर है। कई बार लोग बहुत बार देख दाख करके सुंदर स्त्री से विवाह कर लेते हैं या पुरुष से शादी कर देते हैं, परंतु यदि उसका आचरण स्वरूप उसका सुंदर ना हो, उसका व्यवहार सुंदर ना हो, ऐसे रूप का कितने दिन अचार डालोगे। यहां मेरे प्रभु इस कुब्जा के हृदय को सुंदर कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि ए सुंदरी तुम कौन हो? जैसे ही सुना तो वो कहते हैं, दास चास में हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिविक्र हनुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते रति प्रियम। अब जैसे ही ऐसा कहा तो वो कहती है, मेरा नाम कुब्जा है, शरीर तीन जगह से मुड़ा होने के कारण बहुत से लोग उसे त्रिविक्रा भी कहते थे। बोले, मेरे हाथ का बनाया हुआ पराग चंदन भगवान कंस महाराज को बहुत प्रिय है, उनके लिए रोज बना करके लेके जाती थी, परंतु आज आपका दर्शन करके, आपकी वाणी को श्रवण करके मेरे चित्त में आता है कि क्यों ना मैं ये अंगराग आज आपको अर्पित कर दूं। आंखों से अश्रु झरना गिर रहा है। दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्रा नामा हनुलेप कर्मणि। ये देखिए तीन जगह से मुड़ी हुई है, कोई त्रिवक्रा कहता है, कोई कुब्जा कहता है, कि कोई कुबड़ी कहता है, लेकिन आज प्रभु के रूप का दर्शन करने के बाद इसके हृदय में आनंद के जो सागर में हिलोर उठी हुई है। प्रभु आगे बढ़े, कुब्जा कहती है, प्रभु ये चंदन आपको अर्पित कर दूं? प्रभु कहते हैं, क्यों नहीं। और जैसे ही मेरे प्रभु आगे बढ़े, उन्होंने अपना चरण उठा करके उस कुब्जा के पैर पर रखा, तैसे ही मेरे प्रभु ने उसके दो उंगल और ये अंगूठे से उसकी चुबक ठोड़ी को पकड़ा, हल्का सा झटका दिया, उस कुब्जा का कुबड़ापन दूर हो गया। मेरे प्रभु ने अपने दोनों हाथों से जब कुब्जा के मुख पर स्पर्श किया तो उसका कुरूप दूर हो गया, सर्वांग सुंदरी बनकर के कुब्जा प्रभु के सम्मुख खड़ी है, प्रभु के चरणों में गिर गई। और आज इस कुब्जा ने प्रभु को अपने हाथ से ये चंदन लगाया है, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मेरे घर चरण डाल दो। तो प्रभु कहते हैं, कुब्जा अभी बहुत शीघ्रता है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अवश्य आऊंगा। और भागवत जी की कथा के प्रसंगों में आता है कि बाद में मेरे प्रभु कुब्जा के घर जाते हैं। इधर कुब्जा का उद्धार करके प्रभु आगे बढ़ गए और अब उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शिव शंकर के दिए हुए धनुष का पूजन चल रहा था। हजारों सैनिक इस धनुष की सुरक्षा में खड़े हुए थे, क्योंकि भगवान शिव ने जब कंस को धनुष दिया था तो कहा था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो इसको तोड़ देगा फिर वो तुझे नहीं छोड़ेगा, उसी के हाथों तेरा वध होना सुनिश्चित है। हजारों सैनिकों को लगाया हुआ था। अब जैसे मेरे कन्हैया अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि मामा जी, तनिक जरा भीतर तक हमें दर्शन कराने दो। और पहले आपने देखा भी होगा कि जो माँ का गांव होता था ना, तो माँ के गांव में जितने भी जवान लोग होते थे सब मामा ही कहलाते थे, वृद्धों को नाना जी कहते थे, बूढ़ियों को हम कहते थे नानी माँ, जितनी भी मांग भरी स्त्रियां होती थी पूरा गांव सब मामिया कहलाती थी। तो यहां भी कन्हैया जिसे देखते हैं उसे मामा जी कहना शुरू कर देते हैं। सैनिकों से कहते कि मामा जी तनिक जाने दो ना।
सैनिक कहते हैं महाराज कंस ने कहा है किसी के भीतर जाने की बात तो दूर, परीक्षा जो है पक्षी भी परिंदा भी या पंख नहीं मार सकता। तो कन्हैया मेरे ऐसो मुंह बना करके वासे कह मैं मामा जी तनिक जाने दो ना। और इन नीलमणि का रूप रंग देखकर इनकी वाणी को देख करके सैनिक के मन में भी इतना प्रेम उमड़ जाता है, अरे छोटा सा बालक ही तो है, इससे क्या कष्ट है, इससे क्या डर है, पर तुम अकेले जाओगे। कन्हैया कहते हैं हाँ ठीक है, एक बार जावे तो दो भीतर। सारे सखा बाहर खड़े हैं, कन्हैया बोले बस मैं अभी गया और अभी आयो। और जैसे ये भीतर गए तो वह धनुष की परिक्रमा कर रहे हैं और शंकर जी से कह रहे हैं कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, आपके धनुष को भंग करूंगा, थोड़ा हल्के भी हो जाइएगा। और कहते हैं कि करेण वामेन सलिलम उद्दतम सज्जम चक्रित्वा निमिषेण पश्यताम, जैसे हाथी किसी ईख में जाकर के किसी ईख को तोड़ देता है खेत में से, पलक जितनी देर में गिर करके ऊपर उठती है उतने में तो मेरे श्याम सुंदर ने उस धनुष को लेकर के दो भागों में विभाजित कर दिया। जैसे ही धनुष भंग हुआ कंस का राज सिंहासन डगमग डगमग करके हिलने लगा है, साक्षात उसे अपना काल दिखाई देने लगा, क्योंकि भगवान शंकर जी का दिया हुआ वचन सम्मुख आ गया कि जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। कंस भयभीत हो गया, तब उसका मंत्रिमंडल एकत्र हुआ, चाणूर मुष्टिर शल तोशल कूट जैसे महारथी सेनापति, एक एक व्यक्ति में योद्धा में 10,000 सैनिकों का बल था। चाणूर मुष्टिर अपनी जंगा को कूटते हुए कहते हैं महाराज आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पहले उसको हमारा सामना करना पड़ेगा तब वो आपके पास आएगा। तब वो कहते हैं कि महाराज अब उनके साथ हमारा मल्ल युद्ध होगा। मल्ल युद्ध के लिए चारों ओर तैयारियां प्रारंभ हो गई, दूर दूर से उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए राजा एकत्र होने लगे, रानियां आई हैं, संत आने लगे, मल्ल युद्ध होगा मल्ल युद्ध होगा। और इधर एक और षड्यंत्र किया गया, कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा पिलाकर के मदोन्मक्त किया गया कि जब वो युद्ध की भूमि पर आएगा तब कुबलिया पीड़ हाथी उसको अपने पैरों से कुचल करके मार देगा। इधर पूरे में रात्रि भर में जाकर के चर्चा हो गई कि कल कृष्ण बलराम के साथ में चाणूर मुष्टिक का मल्ल युद्ध होगा। उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए, चारों तरफ लोग ही लोग, और सब अपना अपना स्थान लेकर के बैठ गए हैं। कहीं दूर से आए हुए राजा बैठे हुए, कहीं रानियां बैठी हुई, कहीं संत बैठे हुए हैं, कहीं ये ग्वाल बाल बैठे हुए हैं। और देखिए जैसे ही मेरे प्रभु उस मल्ल भूमि पर आने के लिए तैयार हुए तैसे कुवलिया पीड़ हाथी चिंघाड़ता हुआ भगवान को अपने पैरों से कुचल करके मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तैसे ही मेरे प्रभु ने उछाल भर करके कुवलिया पीड़ हाथी की पूंछ पकड़ के आकाश में फेंका, जैसे ही धरती पर आकर के गिरा तैसे प्राण पखेड़ू उड़ गए हैं। बोले कुवलिया पीड़ उद्धारक भगवान की।